देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए असहायियों के लिए समाजसेवी बढ़ा रहे हैं मदद का हाथ। पूर्णिया में समाजसेवी अली खान ने हजारों असहाय महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया। इस मौके पर भारतीय जनतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल सुभान भी उपस्थित रहे। अब्दुल सुभान ने बताया कि विगत 10 वर्षों से अली खान समाज के लिए खड़े हैं। पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता और दशकों से पूर्णिया के लिए समाज सेवा कर रहे अली खान ने कहा है कि असहायियों के लिए वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करते आए हैं। चाहे छठ का पर्व हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्य, हमेशा से वो बढ़ चढ़ कर सामने रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को भी अली खान से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। वेलफेयर की तरफ से ये पिछले 10 साल 12 साल से चल रहा है सिलसिला, और अभी जो कोरोना काल को लेकर के जो बहुत सारी समस्याएं हैं गरीब लोग के बीच में जो है, और वैसे लोग को ये अली खान हमारे जो भाई साहब हैं, ये पिछले कई साल से गरीबों के बीच में ये रहते हैं और गरीबों के लिए ही जीते हैं और गरीबों के लिए ही सोचते हैं। तो जो अभी कोरोना काल को लेकर के छठ मनाने में जो उनको दिक्कत हो रहा था, उनको समस्या को इन्होंने हल करते हुए हर साल करते हैं, इस साल भी ये कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा लेते रहते हैं और हमेशा लेते रहेंगे। अच्छा, कितने लोगों को बांटा जाएगा सर? ये लमसम ये 1000 लोग का टारगेट रख के चल रहे हैं। 1000 आदमी का जो है दुआएं मिलेंगी इनको? अब को सब तो उनको दिल से ही दुआ निकलेगी ना, हम लोग तो सिर्फ दुआ के लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। छठ जैसे महापर्व को देखते हुए भारतीय जनतांत्रिक जनता दल की ओर से साड़ी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल सुभान जी ने इस तरह के कार्यक्रम को अभी पूर्णिया के दौरे पर देखा है और ये कार्यक्रम हम लोगों का सभी जगह पूर्णिया, सुपौल, छातापुर, पटना, समस्तीपुर, हर जगह से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोगों का प्रयास है, हमारी पार्टी की प्रयास है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा छठ व्रतियों तक पहुँच पाएँ और वहाँ पर जाकर हम लोग इसका काम कर सकें। ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसे कार्यक्रम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन मैं आपके माइंड को क्लियर कर दूं, ये कार्यक्रम इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ इलेक्शंस के, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस है, LIC का नाम सुना आपने? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अभी जो ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं, ये कार्यक्रम इलेक्शन के पहले भी चला सकते थे ताकि वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए, लेकिन हमें वोट बैंक की नहीं, हमारे देश के और हमारे भारत की जनता का आशीर्वाद चाहिए ताकि हमारी पार्टी ऊंचे स्तर पर पहुंचे और अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सके। अच्छा, इस तरह कार्यक्रम ये पार्टी पहली बार कर रही है, जिससे पहले भी करती है? देखिए, ये पार्टी 2009 में बनी थी, उसके बाद सत्ता की लालच में बहुत सारे लोग इस पार्टी से निकल कर अलग अलग पार्टी में चले गए। अंततः इस पार्टी को वैश्य समुदाय और मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए और अब्दुल सुभान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ये कार्यक्रम का पहला विस्तार शुरू हुआ है और इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में भी इस तरह का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, जनता की अपार समर्थन हमारे साथ है। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए, पनोरमा परिवार।